गाइज वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो हम दोबारा से खेलने वाले हैं गाइज एमपीएल पर पूर्व में। एंड गाइज ये गेम प्ले मेरे तरफ काफ़ी इंटेंस होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम जो है इजी विनर बनने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जो कर देना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जो कर देना। ओके सो गाइज बात कर लेते हैं इस गेम प्ले की। तो हमारे पास फर्स्ट राउंड में ओनली प्योर सिक्वेंस था और जोकर भी नहीं थे, सो हम ड्रॉ भी कर देते हैं। वैसे यहाँ पर सिंगल जोकर होता तो रिस्क ले सकते थे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देख सकते हो किंग का सेट रेंज हो जाता और शायद क्या पता हम डिक्लेयर भी कर पाते। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं गाइस यहाँ पे कितने प्लेयर प्ले कर रहे हैं। ओके यहाँ पे लेफ्ट और सेकंड राइट प्लेयर प्ले कर रहे हैं, इन दोनों का 1v1 है। सो करते हैं इसी के साथ बैट्स की, देखते हैं इन दोनों में से कौन डिक्लेयर कर पाता है। ओके सो फाइनली गाइस यहाँ पर जो है सेकेंड राइट प्लेयर डिक्लेयर कर देता है और लेफ्ट प्लेयर जो होता है ये बंदा ओनली 12 पॉइंट से लॉस होता है। वैसे देखो इस बंदे के पास कितने जोकर जिस बंदे ने डिक्लेयर किया है, अगर इतने जोकर हमारे पास होते ना तो शायद हम भी डिक्लेयर कर सकते थे। चलो कोई नहीं। सो अगेन गाइस कार्ड देख सकते हो हमारे पास पहले के जैसे ही हैं। ओके इस बंदे को स्पिट्स में 4 डायमंड क्वीन चाहिए थी और ये बंदे के पास 3 जोकर थी जिस बंदे ने डिक्लेयर किया, मतलब क्या ही बोलूँ ओपी कार्ड थे। सो इस बार तो गाइस हमारे पास भी कार्ड है नहीं, सो ओवरऑल हमको ड्रॉ भी करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे देखो सेकंड लेफ्ट प्लेयर है जो भी ये बंदा प्ले कर रहा है। अब देखते हैं जो सेकंड राइट प्लेयर है जिसने अभी भी डिक्लेयर किया ये बंदा अगेन प्ले करेगा या फिर नहीं। वैसे टाइम तो लगा रहा है ये बंदा, आई थिंक हो सकता है ये बंदा ड्रॉप करे क्योंकि हो सकता है काफ़ी बार इस बंदों के पास ज़्यादा जोकर हो सकते हैं या फिर इनवैलिड कार्ड हो सकते हैं। ओके इस बार राइट प्लेयर प्ले करा, चलो बढ़िया। कोई नहीं करते हम इसी के साथ ड्रॉप एंड करते हैं बैट स्किप अगेन, देखते हैं कौन डिक्लेयर कर पाता है। सो फाइनली गाइस यहां पे जो है राइट प्लेयर डिक्लेयर कर देता है एंड गाइस जो सेकंड लेफ्ट प्लेयर होता है इस बंदे की प्योर सिक्वेंस रही नहीं हो पाती और ये बंदा डायरेक्ट 42 पॉइंट से लॉस होता है। वैसे इस बंदे के पास जोकर तो काफ़ी सारे थे लेकिन बंदे का बैड लक था, क्या ही करें। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव हो चुके हैं अगेन, देखो भाई साहब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब 3 टाइम हमको ड्रॉप करना पड़ रहा है भाई साहब। और देखो इस बंदे के 20 पॉइंट हैं अभी भी, यानी कि हमारे अब 60 पॉइंट हो जाएंगे। और देखो जिस बंदे के 42 पॉइंट लगे उस बंदे के पास वैलिड कार्ड तो थे लेकिन स्मॉल कार्ड थे। सो अगेन गाइस हम ड्रॉ भी कर देते हैं, मतलब मैं क्या ही बोलूँ वैलिड कार्ड नहीं आ रहे। तो 62 पॉइंट बंदा इस बार तो प्ले करेगा मुझे ऐसा लग रहा था, और ऐसा होता गाइस ये बंदा प्ले करने लग जाता है। कोई नहीं हम अगेन बैट स्किप कर देते हैं। सो अगेन गाइस जो है 20 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है एंड गाइस जो 62 पॉइंट वाला बंदा होता है ना ये बंदा ओनली 8 पॉइंट से लॉस होता है। वैसे ये डिक्लेयर करता तो हमारे लिए काफ़ी एडवांटेज होता क्योंकि देखो इस बंदे का अभी भी 20 पॉइंट है, यानी कि सबसे इस डाउन इसी बंदे का पॉइंट है। ओके भाई साहब मैं क्या ही बोलूँ अगेन, मतलब गंदे कार्ड आ रहे हैं। और देखो भाई इन बंदों के पास 4-4 जोकर आ रहे हैं, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब इतना हमारा बैड लक है क्या। लेकिन फिर भी गाइस हम विन तो करेंगे, टेंशन मत लो। अब हमको ड्रॉप करना पड़ रहा है तो क्या ही कर सकते हैं भाई, पेशेंस रखना चाहिए, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब हो सकता है इस राउंड में जो है इस बंदे के पॉइंट क्रीज हो जाएं क्योंकि बंदे में जब कॉन्फिडेंस होता है ना ऐसे बैक टू बैक डिक्लेयर करने का तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि बंदे को जो है डायरेक्ट 60 या फिर 80 पॉइंट लगते हैं जिस वजह से बंदे के सीधा 80 से 100 पॉइंट हो जाते हैं। सो देखते हैं गाइज अगेन कौन डिक्लेयर कर पाता। ओके ओके सो फाइनली गाइज जैसा हमने सोचा था ना बिल्कुल वैसे ही होता है, जिस बंदे के 20 पॉइंट थे ना अब देखना इस बंदे के कितने पॉइंट होते हैं, डायरेक्ट 75 पॉइंट लग जाते हैं इस बंदे के, सॉरी इस बंदे के लगे हैं डायरेक्ट 55 पॉइंट। और देख सकते हो इस बंदे के पास अब ओनली सिंगल टाइम ड्रॉ करने का ऑप्शन है। और कहाँ पे देखो इस बंदे के 20 पॉइंट थे और कहाँ पे देखो हमारे उसके इक्वल पॉइंट हो चुके हैं, मतलब समा जो है ना कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब आपने देख लिया ना। ओके सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं, कार्ड तो काफ़ी ओपी है इस बार लेकिन हमारे पास प्योर सिक्वेंस नहीं है। अगर प्योर सिक्वेंस रेंज हो गया तो हम जो है डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे दिक्कत ये थी डायमंड मेकिंग जो है ना ओपन डेक से निकल चुका था तो डायमंड मेकिंग तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ हर्ट में नहीं जरूर आ सकता है क्योंकि रिसेंटली जो है बंदे ने हर्ट जे डिस्कार्ड किया था, हमने नोटिस किया होगा तो हर्ट में
तो ये बंदा फ्यूचर में 9 जू डिस्कार्ड कर सकता है, और इसी के साथ हम जो प्योर सिक्वेंस नहीं करके डायरेक्ट ब्लैक कर सकते हैं। लेकिन ये बंदा भी ना ओनली इनवैलिड कार्ड ही डिस्कार्ड किया जा रहा है, सो हम अगेन 5 ही डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि हमको चाहिए प्योर सिक्वेंस। पॉइंट तो हमारे डाउन हो ही जाएंगे अगर हमारी प्योर सिक्वेंस नहीं होगी तो। लेकिन गाइज ये बंदा देखो बैक टू बैक ओपन ऐसे कार्ड पिक किया जा रहा है, ओ भाई अगेन एस, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब बंदा तो हमको नहीं फॉलो कर रहा। कोई नहीं, क्लोड ऐसे कार्ड पिक कर लेते हैं। ओके डैम्ड 9, इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि वैसे भी 10 तो नहीं आ सकता क्योंकि जोकर है ना, अगर डैम्ड में 10 आता तो भाई हमारी प्योर सिक्वेंस नहीं हो जाती। ओके बंदे ने 5 भी डिस्कार्ड कर दिया, बस बंदा एक बार गलती कर दे गाइस जिससे कि हमारी प्योर सिक्वेंस नहीं हो जाए। ओके हर्ट 8 भाई साहब, नहीं नहीं इस बार तो मैं क्लब 7 डिस्कार्ड कर देता हूँ, हर्ट 8 तो डिस्कार्ड नहीं करूँगा। अब हो सकता है जो 83 पॉइंट बंदा इसको हर्ट में 8 की नीड हो, मैं नहीं चाहता ये बंदा भी ओपन ऐसे कार्ड पिक करे। ओके हर्ट 6, बंदा तो जो है थोड़े थोड़े कार्ड निकाल रहा है हमारे कार्डों के आसपास, लेकिन भाई हर्ट 9 या फिर हर्ट 5 डिस्कार्ड करता, इसने तो भाई 6 डिस्कार्ड किया। ओके क्लब 9, मतलब दे रहे हो गाइज हमको प्योर सिक्वेंस चाहिए और कहाँ पे देख सकते हो इतनी टर्न लग चुकी है, मैं क्या ही बोलूँ। और ये बना देखो अगेन 7 डिस्कार्ड कर रहा है इसको। ओके 4, यानी कि उस बंदे ने अपनी सीक्वेंस ही ब्रेक कर दी। कोई नहीं गाइज हम भी क्लोड ऐसे कार्ड पिक कर लेते हैं, अब 4 तो पिक नहीं करेंगे, क्या पता हमारे पास हर्ट में 5 भी आ जाए। लेकिन लकीली गाइज हमारे पास जब क्लोड ऐसे किंग आ जाता है सो हमारी प्योर सिक्वेंस नहीं हो जाती है। सो 8 के साथ करते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश। गाइस हमने डिक्लेयर तो किया लेकिन बंदे देखो 12 और 8 पॉइंट से लॉस होते हैं। और जो राइट प्लेयर है ना, ये बंदा देखो जे का सेट रही कर रहा था भाई साहब, एक नंबर खतरनाक प्ले किया इस बंदे ने तो। चलो कोई नहीं, सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं, एंड इस बार गाइस हमारे पास 2 जोकर हैं एंड क्वीन का हमारे पास सेट रेंज हो जाएगा। ओके एक और जोकर आ चुका है, सो हम डिस्कार्ड कर देते हैं डायमंड 10, इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि हमको जो है 10 ही चाहिए क्लब में या फिर हर्ट में। वैसे देखो हमको जो है ओनली 2 वैलिड कार्ड चाहिए डिक्लेयर करने के लिए। वैसे यहाँ पे डीलर और 95 पॉइंट वाला बंदा प्ले करेंगे ही करेंगे। वैसे आपको पता ही होगा जो राइट प्लेयर है ये बंदा नहीं फॉलो करता, लेकिन ये क्या भाई इस बंदे ने तो ड्रॉप ही कर दिया। चलो बढ़िया भाई बहुत अच्छे। अब देखो गाइज हमारे पास चाहिए हमको प्योर सिक्वेंस, और जोकर तो हमारे पास काफ़ी सारे हो चुके हैं। अब मुझे ये भी डाउट था बंदा कहीं क्वीन ना पिक कर ले, 5 को मैंने इस वजह से होल्ड रखा अगर फ्यूचर हमारे पास 6 या फिर 3 आ गया तो हम जो है सीक्वेंस नहीं कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं डायमंड किंग डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब हो सकता है कि ये बंदा क्वीन डिस्कार्ड करे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता ये बंदा क्वीन डिस्कार्ड करेगा वो भी हमको। एंड गाइस फाइनली हमारे जो पास जो है क्लोड ऐसे 10 आ जाता है, हमारी सीक्वेंस रेंज हो जाती है। सो 5 के साथ कर देते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश। एंड गाइस देखो ये बंदा डैट एलिमेंट हो चुका है। ओके गाइस इस बंदे के पास काफ़ी ओपी कार्ड थे लेकिन प्योर सिक्वेंस रेंज नहीं हो पाती। गजब भाई डायमंड एस चाहिए था इस बंदे को और हर्ट एस क्वीन चाहिए थी जो मैं डिस्कार्ड करने की सोच रहा था। चलो बढ़िया, अब देखो इस बंदे के 80 पॉइंट है और हमारे भी 80 पॉइंट है, सो देखते हैं गाइज अब क्या ये होता है। ओके सो अगेन गाइज कार्ड रिसीव हो चुके हैं, गाइज कार्ड देखो भाई साहब मतलब सिंगल जोकर भी नहीं है, सो हम ड्रॉ भी कर देते हैं। अब बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, सो प्ले कहीं करें। एंड गाइज देखो इस बंदे के पास कार्ड इतने ओपी कार्ड थे कि शायद ये बंदा जो है ना ओनली सेकंड या फिर थर्ड टर्न में डिक्लेयर कर सकता था क्योंकि इस बंदे के पास प्योर सिक्वेंस तो पहले से ही थी और 2 जोकर थे और 4th कार्ड की सीक्वेंस भी इस बंदे के पास थी। चलो बढ़िया, सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं, इस बार गाइस हमारे पास ओनली सिंगल जोकर है। लेकिन गाइस ये भी बंदा जो है ना इस बार प्ले करने लग जाता है, अब देखना गाइस हम इस बैट को कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, मतलब काफ़ी इंटेंस इस सिचुएशन होने वाली है, मतलब सिंगल जोकर से हम सर्वाइव कर पाएंगे इस बैट को। ओके बंदे ने 7 डिस्कार्ड किया, 7 पिक नहीं करेंगे, क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं। ओके 6 आ चुका गाइस हमारे पास, अब देखो हमारे पास इनवैलिड कार्ड भी हैं, सो मैं क्वीन डिस्कार्ड कर देता हूँ
अब मैंने क्वीन इस वजह से डिस्कार्ड की है, अगर बंदे ने फॉलो किया तो जो है स्पेस में क्वीन जरूर डिस्कार्ड कर सकता है, लेकिन बंदा भी ना काफ़ी ख़तरनाक प्ले कर रहा है। ओके हमारे पास गाइस किंग आ चुका है, सो मैं एस डिस्कार्ड करूँ या फिर नाइन, चलो नाइन को डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि जे जोकर है, लेकिन गाइस ये बंदा नाइन को पिक कर लेता है। अब मुझे एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था कि ये बंदा जो है डायरेक्ट क्लियर करेगा, क्योंकि देखो हमारे पास इतने इनवैलिड कार्ड है कि अगर हमारी प्योर सिक्वेंस फर्स्ट में रेंज होती है ना तो तब भी कुछ हो पाएगा। ओके क्वीन आ चुकी है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, चलो मैं एट डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि सेवन ओपन डेक से निकल चुका था। भाई कोई तो कार्ड डिस्कार्ड कर दे जिससे कि हमारी प्योर सिक्वेंस नहीं हो पाए कम से कम, लेकिन गाइस ये बंदा भी काफ़ी ख़तरनाक प्ले कर रहा है। चलो कोई नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बंदे के पास ही ओनली सिंगल जोकर है। ओके डैम्ड इस बंदे ने डिस्कार्ड किया, सो पिक कर लेते हैं, इसी के साथ हमारा सेट रेंज हो जाएगा, बट अब सेट का क्या ही करें। सो क्वीन डिस्कार्ड कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे ये सोचा था कि मुझको करना है डायरेक्ट डिक्लेयर ना कि पॉइंट डाउन, क्योंकि हमने डिक्लेयर नहीं किया ना तो ये बंदा डिक्लेयर करेगा तो हम जरूर एलिमिनेट हो जाएंगे। सो इस वजह से मैं जो है डायरेक्ट डिक्लेयर की पहले तो ट्राई करता हूँ, लेकिन अब ओपन डेक से क्वीन इस बंदे ने डिस्कार्ड की थी, सो मैं सोचा था कि इस बंदे को कहीं किंग की ना नीड हो, इस वजह से मैंने प्योर सिक्वेंस नहीं कर लिया। हो सकता है जो है काफ़ी बंदे यहाँ पे क्वीन पिक नहीं करते या फिर डायरेक्ट डिक्लेयर करने का ट्राई करते, मैंने वैसा सोचा था, लेकिन अब कुछ सिचुएशन ही ऐसी हो रखी थी कि मैं क्या ही बोलूँ। अब देखो हमको जो ओनली टू वैलिड कार्ड चाहिए, हमारी प्योर सिक्वेंस नहीं हो चुकी है, लेकिन भाई बंदा देखो ये 10 को पिक कर लेता है, लेकिन ये मतलब एस डिस्कार्ड करता है और इसी के साथ हमारी जो है सेट रेंज हो जाता है, सो मैं 5 डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब हमको जो है सिंगल कार्ड चाहिए डिक्लेयर करने के लिए, वैसे बंदे ने 10 पिक किया तो 10 का कहीं सेट ना रेंज कर रहा हो। ओके 7 डिस्कार्ड किया बंदे ने, सो कोई नहीं क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे एंड गाइज फाइनली हमारे पास जोकर आ जाता है। सो 3 के साथ करते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश एंड गाइज ये जो बंदा है ना 17 पॉइंट से लॉस होता है। खैर कोई नहीं, मैं सोचा था ये बंदा लिमिट हो जाएगा लेकिन क्या ही करें। एंड गाइज हम इस बंदे को स्प्लिट पैक के क्वेस्ट सेंड करते हैं और ये बंदा एक्सेप्ट कर लेता है। सो अगर गाइज आपको गेम प्ले अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।